तुम अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? क्यों? यहां तुम्हें बहुत तकलीफ है ना? मुझे चाहे कितनी भी तकलीफ हो, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, चाहे कोई कितना भी चाहे। मॉम जी, आपके घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं राहुल से शादी करूं, मेरे घर वाले भी नहीं चाहते थे कि मैं राहुल से शादी करूं, लेकिन मैं चाहती थी और मैंने की। निकिदी ने मुझसे कहा था इसे एक घर बना देना, राहुल को एक घर दे देना, लेकिन सबकी किस्मत में सब कुछ नहीं होता, मेरी किस्मत में भी नहीं था। लेकिन एक चीज मैंने मान ली है, ये घर अब मेरा है। इसीलिए तुमने घर वालों से दुश्मनी मोल ले ली? हाँ, सब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं माम जी, आप अपने हक के लिए लड़ रही हैं और मैं अपने। ये घर मेरा है प्रियंका, यहाँ नौकर चाकर सब मेरे लिए काम करते हैं, एंड दे फेथफुल। मेरे खिलाफ जाओगी तो सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। मुझे पता है आप मुझे डराना चाहती हैं। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन अगर हम सच बोल ही रहे हैं तो ये भी सुन लो कि मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया प्रियंका, ना ही मुझे तुमसे कुछ लेना देना है। I just don't want any ugly scenes in my house, that's why I'm tolerating you. तुम यंग हो, अट्रैक्टिव हो, अपने घर जाओ, have this baby and give this baby to me. मुझे राहुल का बच्चा दे दो बस, फिर तुम कुछ भी करो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। एक चैप्टर हमारी जिंदगी का खत्म हो जाएगा। नहीं तो मुश्किल होगी माम जी। जिन चीजों से आपको डर लगता है ना, वो चीजें मुझे नहीं डराती। मेरे कमरे में एसी नहीं है, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, गाड़ी नहीं मिलती, कोई बात नहीं। अगर मैं राहुल के बगैर जिंदा हूं, then these small things don't matter. मेरी लड़ाई बहुत लंबी है, शायद आप समझ नहीं पाएंगे। ये नौकर नमक हलाल जरूर है, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि नमक हलाल होने का मतलब ये नहीं होता कि वो खुद अपने जमीर को कुचल डाले। वो एक दिन ये जान जाएंगे, उनकी जिंदगी में भी रोशनी आएगी। मुझे उसी दिन का इंतजार है, माय हस्बैंड विल बी प्राउड ऑफ मी। देखिए, आपको जो भी पूछना है जल्दी पूछिए, वक्त हमारे पास में बहुत ही कम है, प्लीज। देखो, तुम्हारा एक सच किसी गुनाहगार को सजा दिलवा सकता है, तू नाम बताएगा ना उसका? क्या नाम है? बोलो जल्दी जल्दी। हाँ, बोलो। प्लीज स्पीक। उनकी सांस टूट सकती है। अंग्रेजी जानता है? देख,
पेपर की हेडलाइंस है, में लेटर्स है। जिसने तुमसे ये काम करवाया उसके नाम का स्पेलिंग बताना, ठीक है? हाँ या ना में बताना। ये डियर निक्की बेटा, माना कि मैं दुनिया की सबसे खराब माँ हूँ, लेकिन ये सच है कि मैंने तुम्हारा और राहुल का कभी बुरा नहीं चाहा। हो सकता है कल मुझे सजा हो जाए या मैं मर जाऊं, इसलिए तुम्हें ये चिट्ठी लिख रही हूं। निकी, मैं ये सच तुम्हें बताना चाहती हूं, हो सके तो प्रिया को समझाना। जिन दो लोगों ने राहुल की जान ली थी उन्हें मैंने ही राहुल के पास भेजा था, लेकिन जान लेने के लिए नहीं, सिर्फ राहुल को थोड़ी चोट पहुंचाने के लिए, ताकि मैं राहुल को प्रिया से कुछ दिन तक दूर रख सकूं। मुझे मालूम है तुम ये बात जानकर मुझसे कभी बात नहीं करोगी। मैं शुरू में प्रिया को पसंद नहीं करती थी, यही गलती थी मेरी। प्रिया दिल की साफ है, लेकिन वो ये बात कभी नहीं मानेगी। शायद जब राहुल फिर से जन्म लेगा तो वो ये बात समझेगी कि कोई माँ अपने बेटे की जान कभी नहीं ले सकती। सब खूनी समझते हैं मुझे, तुम, प्रिया, कुमार। H E A R T T O C T R I N E M M. P I G H E A R. P I G H E A R T E R S S R S. P
कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं। आज किसकी बारी थी दूध लेने की? सो रहे हैं। रात भर गर्लफ्रेंड को समुद्र की सैर करा रहे होंगे, बेटे को दोस्त बना दिया। व्हाट अ फादर। तो रात भर जनाब घर नहीं आए? डोंट वरी, बी हैप्पी। बिल रेडी है? किसका? अनायता, मिसेज अनायता। वो नाइट केस एक्सेंट वाला? नहीं, जिनको गोली लगी थी। आप बैठ जाइए। आप भी बैठ जाइए, थोड़ा टाइम लगेगा। दर्द हो रहा है? बहुत डर गई हो? गोली कोई टॉय पिस्टल से तो नहीं लगी थी ना? मुझे तो लगता था कि तुम डरती नहीं हो। We all wear masks. Excuse me, आपका बिल? चेक चलेगा? नहीं, कैश। बिल कितना हुआ? सीक्रेट। मुझे आपसे कोर्ट में केस नहीं लड़ना है। केस? आप कॉम्पेंसेशन के लिए क्लेम करेंगी ना? और आप क्या करेंगे? मैं बिल को बढ़ा चढ़ा के बताऊंगा, चाहे कम से कम मुझे कॉम्पेंसेशन देना पड़े। तो आप फ्रॉड करेंगे? करना पड़ेगा, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है। हाँ, तुम्हें तो करना पड़ता है, ये तो मैंने कल ही देखा है। ओके, थैंक्स। आई हैव टू गो, बाय। बाय, थैंक्स। लिसन, आप क्या यहाँ से अकेले जाना चाह रही हैं? हाँ। तुम क्या ये एक्सीडेंट होने के बाद ज्यादा बहादुर हो गई हो? नहीं, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज। अनायता? हेलो विकी। हेलो, कैसे हो तुम? कैसे रह सकता हूँ मैं? देखो, मैं समझती हूँ। आप कुछ नहीं समझते हैं, कोई कुछ नहीं समझता है। आप लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कि मैं सुपरमैन बन जाऊँ? देखो, हम सबको तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। हम लोग नहीं चाहते कि तुम दुख झेलो। नहीं चाहते? रियली? तो फिर कौन चाहता है? आपको क्या लगता है कि मुझे दुख से प्यार है? आप चाहते हैं कि मैं दिखावा करते रहूं, कि मैं खुश हूं? शायद मुझे तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आप लोग मुझे अपने हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते हो? I'm sick of suggestions. सब चाहते हैं कि मैं उनकी तरह जिंदगी जीऊं,
Why? बताइए मुझे क्यों? मेरे पापा चाहते हैं कि मैं उनकी तरह जिंदगी जीऊं। तुम क्या चाहते हो? मैं जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूं। तुम्हारे हिसाब से जीने का मतलब है ऋतु के साथ जीना। समझते क्यों नहीं हो कि इस उम्मीद के साथ जीने में तुम्हारा नुकसान है? Look, please, just leave me alone. बेवकूफ, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो? ये मेरी जिंदगी है, मैं इसे बर्बाद करूं कुछ भी करूं, ये मेरा हक है। मैं ऋतु का इंतजार करूंगा जिंदगी भर, और अगर इससे मुझे चोट पहुंचे तो वो मेरा नसीब है। उसे ना आप बदल सकती हैं, ना पापा बदल सकते हैं। देख, मैं ऋतु की माँ हूं, लेकिन तू मेरे कहीं ज्यादा करीब है। समझता है ना इस बात को? तेरी खुशी के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझा ना? इसलिए कह रही हूं ऋतु को भूल जा, तू तो तब भी मेरा बेटा रहेगा। आंटी, अब प्लीज, मैं नहीं चाहती कि तू बर्बाद हो जाए। बिल्कुल नहीं जानती मैं, अगर पता होता ना बहुत पहले तेरी उम्मीद तोड़ चुकी होती। आंटी, ऋतु मेरी बनेगी, बिलीव मी, वो मेरी बनेगी। अनायता, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। देखो, मैं भी रात भर जागा हूँ, मेरा दिमाग भी ठीक नहीं है, जबरदस्ती उठा के डाल दूंगा मैं। देखो, तुम कहते थे कि तुम मौत को आस्तीन में लेकर घूमते हो, मैंने मजाक समझा था, अब पता चला कि ये सच है। कब कहता था? रेवती के मौत के बाद। मैं बेवकूफ था। बैठो। तो क्या आप नहीं हो? नहीं हूँ, मुझे भी मौत से डर लगता है, मेरा अपना बेटा है। मेरा भी है। अच्छा ठीक है, बैठो ना। तुम लोग मुझे समझते क्या हो? मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है क्या? जिंदगी भर तुम लोगों की मां होने की सजा भुगतनी पड़ेगी मुझे। मामा, आपसे विक्की ने क्या कहा? विक्की क्या कहेगा, तमाचा तो अपनों ने मारा है। लोग ताने दिया करते थे कि राधा बुढ़ापे में समझेगी बेटा क्या चीज होती है। मैं नहीं मानती थी। मामा, आपको हमारी बेटी होने पर अफसोस हो रहा है? सारी जिंदगी सबसे इस बात को लेकर लड़ती रही, क्या मिला मुझे? मैं नहीं मानना चाहती कि लड़कियों को आजादी नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये ऋतु मुझे मनवाने पर मजबूर करके रहेगी। मामा, इसमें ऋतु की कोई मजबूरी होगी? मजबूरी या नशा, पैसे का नशा, शोहरत का नशा? मामा, आपको लगता है कि सारी गलती ऋतु की है, विक्रम की इसमें कोई गलती नहीं? हम इंसानों की बात कर रहे हैं, भगवानों की नहीं। अगर ऋतु विक्रम को उसके किए हुए गलतियों की सजा दे रही है, तो ऋतु को भी उसकी गलतियों की सजा मिलनी चाहिए। तो आप क्या करना चाहती हैं? लॉयर को बुलाओ।
ऋतु आज से मेरी बेटी नहीं है। मामा आप पागल हो गई हैं? शायद। लेकिन मैं किसी गिल्ट को लेकर मरना नहीं चाहती। ऋतु अगर विक्रम के साथ नहीं रहना चाहती ना रहे, उसकी मर्जी। लेकिन मेरी जिंदगी में कोई रहे या ना रहे, मेरे घर में कौन आएगा या नहीं आएगा, ये मेरी मर्जी है। मैं अपना सब कुछ ऋचा और तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। ऋतु को कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं। उस पे तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन मुझे खुशी मिलेगी। किसी और के लिए आप अपनी बेटी को? किसी और के लिए नहीं, ऐसे शख्स के लिए जो मेरी बेटी से बेहद प्यार करता है। क्या कंप्लेंट थी ऋतु को विकी से? यही कि वो उसका बर्थडे भूल गया या उसको कार नहीं दे सका? ये उन दोनों का रिश्ता है, आपको क्या पता? तुम चुप रहो, मुझे नसीहत देने की कोशिश मत करो, मैं सुनना भी नहीं चाहती। क्या आप सचमुच ऋतु को त्याग देंगी? हाँ दूंगी। मेरी जिंदगी के कुछ उसूल हैं, कुछ है जो इन रिश्तों से बड़ा है। बहुत पहले भी मैंने अपने उसूलों के लिए किसी को त्यागा था। मामा यू आर बीइंग टू क्रूएल। क्रूएल? हाँ, लेकिन मैं भी क्या करूं, मुझसे अपनों की कीवी गलतियों को नहीं ढांका जाता। बहुत सर झुकाकर जी लिए, कुछ तो सर उठाकर जीने दो भगवान के लिए। लॉयर को आज ही बुला लो, मैं कमजोर नहीं बनना चाहती।